फ्रेंड्स इसे हम खोल लेंगे ओके। ऐसे आपको खोलना है। ओके, मैंने इसको खोल लिया है तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी धूल है। वैसे मैं समय समय पे इसको साफ करता रहता हूँ तो मेरा काफी साफ है। अगर आप खोलेंगे तो इसमें आपको काफी धूल मिलेगा और आपको जाले ज्यादा देखने को मिलेंगे सब यहाँ पे। मेरा अभी तो साफ है, मैंने अभी कुछ ही महीने पहले साफ किया हुआ था इसलिए मेरा एकदम साफ दिख रहा है। तो आप खोलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं, अगर ज्यादा दिन बाद खोलेंगे तो आपकी ये जो फैन है, फैन के अंदर ये जो आप देख रहे हैं प्लेट, ये जो सिंक प्लेट है, ये पूरी कचड़े से भरी होगी और इसमें पूरा धूल डस्ट वगैरह सब होगा। और ये जो आपको दिख रहा है मदरबोर्ड वगैरह, ये सारा जितना पूरा है आपका पूरे गंदे से भरा होगा। और ये वाला भी फैन आपका पूरा गंदे से भरा होगा। ये मैंने अभी 15-20 दिन पहले साफ किया हुआ है तो सब कुछ साफ है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप साफ करेंगे अपने सीपीयू को। तो सबसे पहले आपको साफ करने के लिए आपको इस फैन को हटाना होगा। इसके नीचे प्रोसेसर है तो प्रोसेसर ही मेन है, प्रोसेसर को हमें साफ करना होगा ओके। तो आप इस फैन को पहले मैं खोलूंगा ओके। तो आप इसको बहुत सावधानी से खोलेंगे, ये जो आपके ये देख रहे हैं स्क्रू, इसको बहुत आराम से खोलना होगा वरना इस पे अगर आप ज्यादा फोर्स करेंगे तो इस ये जो पीछे मदरबोर्ड वगैरह है सब टूट भी सकता है ओके। बहुत हल्का है तो इसे आप आराम से खोलेंगे। अगर आपका कोई अदर कंपनी का है तो हो सकता है स्क्रू ना देके आपके में चैन वगैरह दिया होगा, ऐसे खींचने को दिया होता है, लॉक वगैरह होता है ओके। तो आप अब मैं बता रहा हूँ इसको कैसे खोलना है, आराम से खोल लेंगे आप। आपको बराबर बराबर खोलना है, सब एक ही बार नहीं खोलना है, आपको सब सारे स्क्रू को बराबर बराबर खोलना है ताकि किसी पे फोर्स ना पड़े ओके। आराम से खोल लेंगे आप और इसमें कोई आपको दबाव देने की इस पर जरूरत नहीं है वरना ये टूट सकता है। और बहुत ध्यान देना होगा आपको, केयरफुली इसको खोल लेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे ये स्क्रू जो है खोल लिए हैं, लगभग सब खुल चुके हैं ओके। बराबर बराबर आपको खोलना होगा ताकि ये जो है आपका कोई इस पे इफेक्ट ना पड़े। उसके बाद ये खुल गया है, आपको दिखा दूंगा इसे आप आराम से निकाल सकते हैं ओके। ये देखिए फैन, अब इसको यहाँ से इसका वायर निकाल देना है, वायर भी आपको आराम से निकल जाएगा। और घबराने की कोई बात नहीं है, वायर गलत नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फिट लगेगा ओके। तो अब मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं हीट सिंक के जो ये जो यहाँ पे ये जो बना हुआ है इस पे ये कुछ वाइट वाइट सा लगा हुआ है जो कि अब मेरा एकदम खत्म हो चुका है। इसी को हीट सिंक कंपाउंड कहते हैं। ये हीट सिंक कंपाउंड इससे जो हीट निकलती है ये प्रोसेसर से उसको इसमें एब्जॉर्ब करता है और फैन के द्वारा इसे निकाल देता है फ्रेंड। तो आपको इसमें करना क्या है, यही हीट सिंक जेल जो मैंने लाया है इसको आपको इस पे लगाना है ओके। तो पहले इससे पहले मैं आपको दिखा दूं प्रोसेसर आपका, ये जो मेरा देखिए मैंने अभी कुछ ही दिन पहले साफ किया था तो मेरा फैन बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लीन है। और ये जो पीछे हीट सिंक ये जो प्लेट है ये भी बिल्कुल क्लीन है ओके। तो अभी मुझे क्लीन करने की जरूरत है थोड़ा बहुत, इसमें हल्का फुल्का कचरा है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे ब्रश से ऐसे आराम से साफ कर लेंगे ओके, इसे साफ कर लेंगे धीरे 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 धीरे, आप इसे साफ कर लेंगे ओके। इस पर भी बहुत ध्यान देना है आपको ओके, आप इसे साफ कर लेंगे अच्छे तरीके से, ऐसे आप साफ कर लेंगे पूरे फैन को ओके। और आप इसमें कोई लिक्विड वगैरह या आपको पेट्रोल वगैरह की यूज नहीं करना है ओके, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ओके। तो आपको अभी इसे साफ करके रख लेना है ओके। और ध्यान देना, सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रोसेसर पे भी वो लिक्विड लगा हुआ है जो कि अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक प्रोसेसर जब गर्म होता है उसे ठंडा करने के लिए ये लगाया गया है कि जब प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो उसे हीट ना होने दे और उसे उसकी जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर ले आराम से और उसे आराम से चलाए फ्रेंड्स। तो वही खत्म हो जाने के बाद मैंने कई वीडियोज में ऐसा देखा है कि लोगों जो ये जो इस पर लगा हुआ है फ्रेंड्स ये इसको जेल को हटा देते हैं और फिर वो लगाते नहीं है। तो ऐसा आप मत करिएगा, इसे आप आराम से देख के पूछ के और फिर नया जेल जरूर लगाइए। आपको टीपी वगैरह के जो स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं वहाँ पे आपको आराम से इजिली अवेलेबल हो जाएगा ओके। और तो फ्रेंड्स हमने प्रोसेसर बिल्कुल साफ कर लिया और आपका भी बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला है साफ करने के बाद, ये बिल्कुल अच्छा हो गया। अब इस पे हमें ये नहीं है कि मैंने अब पूछ दिया है साफ कर दिया है तो इस पे मैं वो जो जेल था वो लगाने वाला नहीं हूँ फ्रेंड्स। वो मैंने ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, इसे आपको लगाना बहुत जरूरी है। मैं अभी इसका प्रोसेसर खोल के साफ करूंगा उसके बाद ये लगाऊंगा ओके। तो सबसे पहले मैं प्रोसेसर खोल दूंगा, उसके लिए ऐसे प्रेस करना होगा और ऐसे निकाल लेना होगा आपको ये ओके। आपको ये ऐसे खुल जाएगा, मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ ताकि सब कुछ इजीली समझ में आए ओके। तो अब करना क्या है, अब हमें इसे ये जो देख रहे हैं आप इसे ऐसे ऊपर कर देना आसानी से, बहुत ज्यादा इसमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं है ओके। आपका ये आराम से निकल जाने वाला है ओके। प्लेट है जिससे ये बंधा हुआ था, दबा हुआ था, ये अच्छे तरीके से पैक था। अब हम इसे निकाल लेंगे
काफी इजी है। और आप इसको निकालते समय बिल्कुल डरिएगा मत कि फिर ये लगेगा कैसे। ओके, इसमें वो निशान दिए हुए हैं जिससे वो सही जगह पे जाके बैठेगा, गड़बड़ नहीं बैठने वाला। ओके, तो मैं इसे आसानी से ऊपर ऐसे उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये हमारा ये सीपीयू प्रोसेसर है, ये हमारा जो है ये प्रोसेसर है। तो आपको बहुत ध्यान देना है, ये जो पिन है बहुत फाइन है, ये टूट सकती है। ओके, पिन को हमें कुछ छेड़ना नहीं। ये जो आपको गोल्डन कलर का पार्ट है इसे हम अच्छे तरीके से साफ करना है। इस पर कार्बन आ जाता है जिसके कारण हैंग करता है सिस्टम। ओके, यही गर्म होने के बाद हमारा सिस्टम हैंग करता है। तो आपको इसे अच्छे तरीके से इरेजर लिया हूं। मैंने जो आपको वीडियो में पहले बता चुका हूं कि इरेजर की जरूरत पड़ी, तो इसको हम अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे इरेजर से, ताकि इस पर जो भी कार्बन वगैरह होगा वो अच्छे तरीके से एकदम साफ हो जाएगा। ओके, ऐसे आपको साफ करना है। ओके, देखिए ऐसे आप बिल्कुल अच्छे से साफ करेंगे, और इस पार्ट पे आपको नहीं इरेजर रगड़ना है। ओके, क्योंकि बहुत ही नाजुक होता है, ये टूट जाएगा पिन। ओके, आपको इस गोल्डन पार्ट पे ऐसे ऐसे करके आपको साफ करना है, ताकि जो भी इस पे कार्बन वगैरह है वो सब साफ हो जाए। अब देखिए ये बिल्कुल सही हो चुका है। ओके, और इससे जितने कार्बन वगैरह होंगे सब साफ हो चुके हैं। ओके, अब इसे रख देते हैं, अब इसको भी साफ कर लेंगे। ओके, देखिए आपको ब्रश का यूज करके इसको आराम से साफ कर लेना है, जो भी इसमें धूल गंदा होगा सब साफ हो जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ आराम से करना है, घबरा के नहीं करना है, वरना गड़बड़ हो सकता है। तो अब हम इसको साफ कर चुके हैं इरेजर से, हमने काफी अच्छे से इसको साफ किया, जितना कार्बन वगैरह सब इसमें साफ हो चुका है। तो अब हमें इसे लगाएंगे, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, पहले ही बता चुका हूँ कि ये फिट हो जाएगा आराम से। ये जो आप खाने देख रहे हैं इसमें, इस पे ही जाके बैठना है। ओके, इसमें दो खाने देख रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये जब तक फिट नहीं होगा ये अच्छे से बैठेगा नहीं। ओके, तो आप आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसे रख देना है बस, और उस खानों में ये देखिए बैठ चुका है, आराम से बैठ चुका है। तो अब इसे हम बंद कर देंगे। ओके, जैसे ये था वैसे हमें बंद कर देना है। ओके, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये देखिए जैसे मैंने उठाया था वैसे सिंपली बंद कर रहा हूँ। ओके, तो अब मैं आपको साइड से दिखा दूँ बंद करके, ये ऐसे आपको ऐसे दबाना है, नीचे की तरफ प्रेस करना है और ऐसे इसमें फंसा देना। ओके, तो अभी मेरा जैसे पहले था, मैंने उसको फिट कर दिया, अभी बिल्कुल सही हो गया। अब हमें इस पर लगाएंगे, तो अब हमें ये हीट सिंक कंपाउंड यूज करना है, और इस पे प्रोसेसर पे और फैन पे दोनों पे लगा देंगे। इसको लगाने के लिए आपको एक माचिस की तिल्ली चाहिए, जो कि आपको आराम से मिल जाएगी। ओके, तो अब देखिए मैं सब कुछ फिट कर चुका हूँ, तो अब मैं ये हीट सिंक ग्लास खोल के, हीट सिंक कंपाउंड खोल के अब मैं इस पे लगाने वाला हूँ। ओके, आपको आराम आराम से ये माचिस की तिल्ली से आपको आराम से लगाना है इस पे। ओके, आप इसे फैलाएंगे नहीं, बस इस पे रख देना आपको। ओके, ये फैल जाएगा खुद ब खुद, जहाँ जगह होगा ये फैल जाएगा। तो आपको इस पे बस रख देना है, ये धीरे धीरे फैल जाएगा, इसे आप आराम से लगा देंगे। पूरे चारों तरफ लगाना है आपको, ये जब हीट पाएगा तो अपने आप फैल जाएगा और ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। इस तरह आपको लगा देंगे। मैं एक बार फिर बता दूं कि ये आपको VCCR TV वगैरह के स्पेयर पार्ट्स जहाँ मिलते हैं वहाँ आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, आपको कहीं जाने नहीं है। 10-5 रुपए की डिब्बी आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, मैंने इस पर अब पूरे चारों तरफ लगा दिया है। ओके, अब लगाना आपको इस पर फैन पे, इस पर भी हमें आराम से लगा लेना है। ओके, इस पर भी आपको लगाना होगा जो शुरू में लगा हुआ था, फैन पे भी आपको ऐसे लगा लेना है। ऐसे आपको फिट कर देना है जैसे था, ये आप इसे आराम से रख देंगे, और बिल्कुल सही फिट करना है। अगर ये सही नहीं फिट हुआ तो फिर जैसा प्रॉब्लम था वैसा ही प्रॉब्लम रह जाएगा। ये चारों तरफ से अच्छे तरीके से फिट हो गया, और इसे कस देना। तो देखिए ये चारों तरफ अच्छे तरीके से फिट हो गया, तो अब हमें इसे कसना है। ओके, जैसे हमने खोला था वैसे ही उसी टेक्निक से हमें कसना भी है, बराबर बराबर कसना है जैसे मैंने बताया था शुरू में। ओके, बराबर बराबर आपको कसते रहना, और आपको बहुत ज़्यादा इस पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप कस लेंगे। ओके, ये टाइट हो रहा है, अब इसे भी कस लेंगे। ये अच्छे से आप कसते हुए ओके, तो सारे बराबर कस गए, अब सबको टाइट कर देते हैं हल्का हल्का। टाइट करने में ध्यान देना होगा, ज्यादा हमें टाइट नहीं करना होगा इसे। ओके, ये आराम से बैठ गया है, अब ये वाला भी आपको उसी तरह पूरा
जैसे आपको टाइट कर देना है। ये टाइट होने के बाद अपने आप रुक जाएगा, ओके। और उसको उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। ये भी बैठ गया, अब हम इसे ये भी बैठ गया। अब इस वाले को हम फिर से कस के अच्छे तरीके से पूरी तरीके से बैठा देंगे। अब ये देखिए टाइट हो चुका है और हमारा फैन बिल्कुल पहले जैसा सेट हो गया है, ओके। और हमने सब कुछ जो भी चीज़ें थी कर दी हैं। तो ये वायर बचा हुआ है, वायर को आप मैंने बताया था पहले भी कि गलत नहीं लगने वाला है, ओके। आप ये सेक्शन देख रहे हैं, ये जो है ये पार्ट्स आपको उधर लगाना है क्योंकि उसमें निकला हुआ है। क्या होगा आपको ये जो छेद है वो जाके उन पिन में आराम से बैठ जाएगा और ये गलत नहीं बैठेगा। और आपको इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं करना है वरना वो टूट भी सकता है और पिन टूट जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फ्रेंड्स आराम से इसे बैठा देंगे आप, ओके। तो आप इसे दबा देंगे ताकि अंदर तक बैठ जाए, ओके। ये मेरा पिन बिल्कुल बैठ चुका है और फैन अब काम करेगा, ओके। अब दूसरा चीज़ जो है जिसके कारण कंप्यूटर हमारा स्लो हो जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं, जो कि ये रैम, ये देखिए मेरा रैम है। तो रैम को हमें निकालना कैसे मैं आपको बता दूं। तो रैम आप सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, इसके जो दोनों किनारे हैं इसमें इक्वल इक्वल प्रेस करना है, ओके। इसे खींचना नहीं है, ओके, इसे इक्वल प्रेस करना है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इसको आपको और ये किनारा, ये दोनों आपको इक्वल प्रेस कर देना है, ओके। आप इक्वल प्रेस करेंगे बिल्कुल ये रैम निकल के बाहर आ जाता है, ओके। ये देखिए रैम को भी आपको उसी तरह इरेजर से साफ करना है जैसे हम प्रोसेसर को साफ किए हैं पहले, ओके। तो रैम अब देख रहे हैं आप, तो होता क्या है फ्रेंड्स कि कई बार हमारे जो सिस्टम और फंसने लगते हैं तो रैम के कारण भी होता है। तो रैम देख लें आप रैम आपको अब इसी तरह इरेजर से ऐसे साफ करना है, पिन बचा के पिन ऊपर होंगी तो इसमें जो भी डस्ट वगैरह होंगे, जो भी कार्बन वगैरह होगा सब साफ हो जाएगा, ओके। तो आपको ऐसे आपको साफ कर देना है, ऐसे इधर आपको साफ करना है। जितने इसमें कार्बन वगैरह होंगे सब अब निकल चुके हैं, ओके। अब इस रैम को हम रख देंगे। अच्छा फ्रेंड देखिए, अब इसका ये जो पॉट है इसे भी हमें साफ करना होगा। इसे आप ब्रश से आराम से ऐसे साफ कर देंगे इसमें जिसमें ये लगेगा, ओके। अब ये साफ हो चुका है, अब रैम आपको बैठाना कैसे मैं ये बता दूँ, ओके। तो रैम साफ करने के बाद अब आपके सिस्टम की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है और प्रोसेसर साफ करने के बाद आपका कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होने वाला है, ओके। तो आपका जो कंप्यूटर अब हैंग हो रहा था डस्ट के कारण वो अब नहीं होगा, ओके। आपको ऐसे अगर साफ करने के बाद भी अगर आपका कंप्यूटर हैंग करता है तो पावर सप्लाई में कोई गड़बड़ी है, आप एक बार पावर सप्लाई चेक करा लें, ओके। अब इतना साफ होने के बाद आपका सिस्टम बिल्कुल सही चलने वाला है, 100% गारंटेड है। बता दूं कि ये भी प्रोसेसर जैसा बिल्कुल गलत बैठने वाला नहीं है, ये भी एकदम सही जाके अपने जगह पे बैठेगा, ओके। आप ये देख रहे होंगे, ये जो देख रहे हैं आप बीच में होल, ये छेद देख रहे हैं, ओके। ये उसी लिए है, ये आधा भाग और इधर ज्यादा वाला भाग, इसे देख के आपको लगाना होगा, ओके। ये अगर आप सही बैठा देंगे तो ये आराम से फिट हो जाएगा और ये भी गलत नहीं बैठेगा। ये जब तक आप सही नहीं बैठाएंगे ये पूरी तरीके से बैठ ही नहीं सकता, ओके। तो अब मैं इसको बैठा के दिखा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा साइड करेंगे और ये देखिए यहाँ कम वाला भाग कम की तरफ आप कर देंगे, ओके। अब आप इस ऐसे आराम से जैसे आप निकाले थे वैसे आप इसमें डाल देंगे, ओके। अब आपको करना क्या है, दोनों किनारों को नहीं, अब आपको इन रैम के ऊपर इक्वल प्रेस करना है, यहाँ दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ओके। आपको एक प्रेस करते आराम से ये बैठ गया, ओके। अब इसे आप दोनों साइड से ऐसे दबा देंगे, ये फिट हो गया रैम, ओके। अब ये रैम बिल्कुल फिट है, अब कट कट की दो आवाज़ होगी, अगर ये हो जाती है तो समझिए आपका रैम फिट है, और ये आवाज़ नहीं होती है तो अभी आपका रैम फिट नहीं हुआ है और ये फिट नहीं हो सकता जब तक ये रैम आप अच्छे से ना बैठा दें, ओके। तो आपके सिस्टम में ऑब्वियसली दो रैम हो सकते हैं, दोनों में से आपको दोनों को वैसे ही साफ कर लेना है फ्रेंड्स। तो दोनों रैम को आप जब साफ कर लेंगे, बैठाने का भी टेक्निक दोनों का वही है, आपको बस साफ कर लेना है अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड देख रहे हैं कि जैसे हमने रैम भी साफ करके लगा दिया है और ये बिल्कुल चकाचक एकदम चमक रहा है और सब आपका साफ हो चुका है, तो अब ये एकदम बिल्कुल सही चलने वाला है। और आप जब साफ करेंगे फ्रेंड्स तो आपको अपना सिस्टम उसके बहुत ज़्यादा गंदा मिले, तो जब आप वो अपना सीपीयू जब साफ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ओके। तो आप इस तरीके से अगर आप आसानी से साफ कर लेंगे तो आपका पीसी 100% डेफिनेटली बहुत ही अच्छा चलने वाला है।